तब जाकर के। और भरत ने कहा महाराज मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे कष्ट नहीं होता। क्यों? कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नाना प्रकार से उपदेश देने के बाद। और जब ज्ञान का उपदेश रघुगण को दिया गया तब जाकर के रघुगण ने नीचे झांक करके देखा, जैसे ही नीचे झांक करके देखा वैसे ही भरत के कंधे पर यज्ञोपवीत को जनेऊ को देखा, जनेऊ को कंधे पर देखा वैसे ही रघुगण का माथा ठनक गया, अरे क्या कर डाला मैंने, एक ब्राह्मण रघुगण गिर जाता है। क्यों ये भरत कभी बोले नहीं थे लेकिन आज पहली बार बोले हैं। क्यों? उन्होंने भी विचार कर लिया कि जिसका बोझ, जिसका वजन मैंने अपने कंधे पर उठा लिया, जिसका भार मैंने अपने कंधे पर उठा लिया, यदि उसका उद्धार नहीं होगा तो उसका तो पतन हो जाएगा, और जब उसका पतन हो जाएगा तो मेरा ब्रह्मत्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए भरत ने उपदेश दिया था रघुवर को, और रघुवर ने नीचे उतर करके चरणों में गिर करके प्रणाम किया है, और जाकर के रघुगण का भरत ने उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से इस कथा को यहीं पर नमन करूंगा, आगे ले चलूंगा। भूगोल खगोल आदि की कथाएं आती हैं।